अगले कॉलर हैं लक्ष्मी जी, स्वागत है आपका जी। मैं बादशाह से बोल रही हूँ। जी, बताएं सवाल करें। मैं ये पूछना चाहती हूँ ना, उसी हिसाब से कि मतलब मेरे जो है कानों में से ना आवाज आती है दिमाग में से, बहुत तेज तेज। कानों में से हाँ, कानों में से आवाज आ रही, सुनाई मुझे बहुत कम आती है। उम्र कितनी है आपकी? मेरी 42 साल है, 40 साल की है उम्र। जो तो मतलब परेशानी होती है मुझे, अभी भी 5 साल की आवाज आती है, और हाथ पैर मतलब मेरे अकड़ जाते हैं, ये हाथ पैर में बहुत परेशानी है मेरे ठीक तो। ठीक है। हाँ, और मतलब कीरत भी मतलब मुझे नहीं होता है, कीरत भी नहीं आ रहा है, बहुत दिन हो गए, 2-3 साल से कीरत भी तो बंद है मेरा। ठीक तो है, मैं आपसे मतलब यही पूछना चाहती हूँ, मतलब इस चीज़ का कोई इलाज है या नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल मैम जी। क्योंकि मैं आवाज तेज कर लूँ आपके टीवी जी जी से। कर लीजिए, आवाज़ टेप करना बेहतर है, क्योंकि फिर नुस्खा आपके पास हो जाता है और सुनने से कुछ ना कुछ मिस हो सकता है। तो देखिए, एक एक्सरसाइज बता रहा हूँ, वो आप 3-3 मिनट करें रोज़ाना, और एक दवा बता रहा हूँ जो 2 बार इस्तेमाल करें। देखिए, ऐसे बैठें और ये कान अपने मोंढे से मिलाएं, और ये एक्सरसाइज दिन में 3 मिनट करें, और ये मुझे मालूम है कि 3 मिनट एक साथ कोई नहीं कर सकता, आधा आधा मिनट करके या एक एक मिनट करके 3 मिनट पूरे दिन में करनी है। और यही एक एक्सरसाइज, देखिए इसे पूरी तरह, ये पूरी तरह मोड़ दीजिए, ये हमारी ठोड़ी यहाँ तक आ जाती है कंधे तक, अगर नहीं आई तो कोई बात नहीं, आने लगेगी। तो ये 15 दिन आपको एक्सरसाइज करनी है कम से कम, एकदम से फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन 15वें दिन आपकी ये आवाज़ें कहाँ गई आप ढूंढेंगी कि वो आवाज़ें गई कहाँ जो हर वक्त मेरे कान में आवाज़ आती थी। और ये तो एक्सरसाइज है, और ये जो आपके किचन में हल्दी होती है, हल्दी का पाउडर सभी के किचन में होता है, तो एक चुटकी हल्दी एक चुटकी में जितनी आ जाए, और आधा ग्राम गोंद सियाह, गोंद सियाह असली लेना है, नकली ना लें, बहुत नकली मिलता है, बेशुमार नकली मिलता है, ये 15-16 रुपए का आता है 1 ग्राम, 1 ग्राम को आधा ग्राम सुबह खाना है, एक चुटकी हल्दी के साथ दूध या पानी से, और आधा ग्राम शाम को खाना है, खाने के बाद दूध या पानी से। तो ये आपके तमाम जोड़ों और नसों को वैसा बनाता है जैसे आप पहले थे, हर जोड़ की रिपेयर, हर नर्व की रिपेयर, और अकड़न और घुटना और कमर और जहाँ भी जो परेशानी हो उसकी रिपेयर करता है, और आपकी जो पीरियड्स का मामला भी है ये भी हल होना मुमकिन है। नेक्स्ट कॉलर है नीलम जी, स्वागत है आपका। हाँ जी जी मैम, कहाँ से बात कर रही हैं? जंदल से बात कर रहे हैं जी। आपका सवाल क्या है? मेरे ना वाला कमर दर्द थी। हाँ, टांग में दर्द थी। हाँ, तो मैंने गौशियम गया का, ठीक है, आपसे गौशियम गया है। हाँ, हाँ। तो मैं 15 दिन पे शुरू की था, ठीक है, मेरे वैसे जड़ी होंगे ना गले की हड्डी, गले के नीचे हड्डी ना थी, दर्द बढ़ गया है। हाँ जी, गले के नीचे हड्डी जो है। मैम पूरी बात समझाइए, पूरी बात समझ में नहीं आ पा रही है। 15 दिन हो गए हैं आप गौन सिया का इस्तेमाल कर रही हैं, तबीयत कैसी है? हाँ जी, हाँ जी,
हाँ कमर दर्द तो ठीक है। कमर दर्द ठीक है। ठीक है। हाँ जी हाँ, ये है ना मेरे इधर दर्द, कंधे में दर्द आ गई है। कंधे में दर्द आ गया है। ठीक है ठीक है। हाँ जी, जी कंधे में और गले की हड्डी है नहीं आगे वाले पचे। ठीक है ठीक। जी अभी सिर्फ 15 दिन हुए हैं, कमर दर्द चला गया। और जहाँ जहाँ दर्द होगा, चाहे वो कंधे में हो, चाहे पैंलियों में हो, घुटनों में हो, पैरों में हो, हर जगह का दर्द के लिए है ये। थोड़ा सा सब्र कर लें, 15 दिन में बहुत फ़ायदा भगवान ने दिया। और ये जो गौंसिया है, ये रोज़ाना ज़रा सा फ़ायदा देता है। ठीक है, तो अभी आपके पास 2.5 महीने का गौंसिया बाकी है, और ये ख़त्म होते होते आपका दर्द भी ख़त्म होना मुमकिन है। बस वही 2-3 बातें और एक एक्सरसाइज बताता हूँ कि वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ करना है, कुर्सी वाला शौचालय है, और झाड़ू पोछा ना करें कुछ दिन, वज़न ना उठाएं। ये आपसे मेरा अनुरोध है। और ये एक्सरसाइज ये 3 मिनट करना है, और ये पूरी तरह इसको ऐसे एक्सरसाइज करें, ये भी 3 मिनट पूरे दिन में। मैं जानता हूँ एक साथ नहीं कर सकते, तो आप एक एक मिनट करके, आधा आधा मिनट करके, 3-3 मिनट ये दोनों एक्सरसाइज ज़रूर करें। आपका आइंदा आने वाला फ़ोन हमें ये ज़रूर मैसेज देगा कि आप पूरी तरह अच्छे हो चुके हैं। अगले कॉलर हैं, बात कर लेते हैं। बरेली से श्री, स्वागत है आपका। जी शुक्रिया मैम। नमस्कार मैम। जी नमस्कार, कैसे हैं मैम आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? जी हम भी ठीक है। दुआएं। जी 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 अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब, रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वाले सलाम। हकीम साहब आप कैसे हैं? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे दो तीन सवाल है मैम। बोलिए। जी पहला सवाल है हकीम साहब, मेरे चाचा की उम्र 56 साल है, उनको बीपी और शुगर के लिए हकीम साहब ने जैतून के सिरके में खाने वाला जो सोडा होता है वो एक चुटकी लेने के लिए कहा था, तो वो 4 दिन से वो ले रहे हैं। तो उनको पहले जो मोशन के एक एक दो दिन बाद मोशन होता था, अब उनको दिन में 3 बार मतलब मोशन के लिए जाना हो रहा है। तो ये इसको सिरके ले, ये किस वजह से हो रहा है और क्या? और ये वो खाने के फौरन बाद ये ले लेते हैं, तो ये दिक्कत इस वजह से तो नहीं है खाने के फौरन बाद इसको लेने से? ठीक है, दूसरा सवाल। और मैम जी दूसरा सवाल है मेरा इसी को लेकर है, ये जो हकीम साहब बताते हैं नींबू अदरक लहसुन वाला जो नुस्खा सिरके के साथ, तो वो लाइफ टाइम कोई इंसान ले सकता है? बीपी और शुगर का पेशेंट लाइफ टाइम अगर इसको लेना चाहे तो? ठीक है। और चौथा सवाल है, जो हकीम साहब लहसुन बताते हैं अपने खाने के साथ लेने के लिए 3-4 पीस लहसुन के, तो वो सुबह खाली पेट गर्म पानी के साथ लेना कैसा है? ठीक है जी, शुक्रिया मैम। हाँ देखिए, लहसुन वैसे ज़्यादातर लोग निहार मुख खा नहीं पाते, या लहसुन कोई खा सकता है तो खा ले, लेकिन निवाले के साथ अगर लिया जाए, जब हम रोटी खाते हैं तो लुकमे में रख कर और चबा कर खा ले, तो लहसुन खाने का एहसास भी नहीं होता और ये काम वही करता है। तो जैसा आपको आसानी हो लहसुन के साथ वैसा कर सकते हैं। और ये जो आपने सवाल किया है कि ये नुस्खा हम क्या लाइफ टाइम ले सकते हैं, हाँ ज़रूर ले सकते हैं। और ये नुस्खा हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। मैं तो कहता हूँ कि जो निरोगी है वो अगर लें तो रोग आसपास आता ही नहीं है। वो कौन से रोग हैं जो हमारे आसपास नहीं आते इसको निरोगी के लेने से? जिसको रोग है उसको भी कंट्रोल करते हैं, और जो जिसको रोग नहीं है तो ये रोग होते नहीं हैं। उनमें ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट ब्लॉकेज और दिमाग की कोई
जैसे फालिज जैसे अमराज यानी रोग, इसको लेने वाले को नहीं होते अगर निरोगी लें, और जिनको ये रोग है वो लें तो उनको कंट्रोल करते हैं इन सब चीज़ों को, और लाइफ टाइम भी इसे लेना बेहतर है जी। तीसरा सवाल हकीम साहब, जैतून का सिरका खाने का सोडा खाने के बाद वो लेते हैं, 3 बार मोशन जाना पड़ता है उन्हें? हाँ, कुछ कम कर लें, जैतून का सिरका कुछ कम कर लें, वो खाने के बाद ही लेना बेहतर है। चाहें तो अपने सब्जी सालन में मिला कर ले लें, कुछ दिन ऐसा उनको रह सकता है, उसके बाद वो उनको बर्दाश्त आने लगेगी, थोड़ा कम कर लें खुराक तो बेहतर होगा। इंदिरापुरम से नेक्स्ट कॉलर हैं, स्वागत है आपका। हेलो, आदाब डॉक्टर साहब। आदाब। मुझे 7 महीने पहले स्टेंट लगवाना पड़ा क्योंकि ब्लॉकेड आया हार्ट में, उसके बाद 7 महीने दवाई खाई तो एक दवाई डॉक्टर साहब ने बंद की, उसके साथ ही पेशाब भी कम कम होने लगा, इतना कम होने लगा कि जब मैं पेशाब करता था मुझे बड़ी पेन होती थी, निकलता नहीं था इजिली, तो निकलता नहीं था। तो फिर मैं डॉक्टर के पास गया, उसने दवाई दी, अब जब मैं वो खाता हूँ मुझे डहेरिया होता है, दूसरे दिन मैं खा ही नहीं सकता। अब डॉक्टर साहब मैं तो ओल्ड पेशेंट हूँ, इरिटेट बाउल सिंड्रोम का, तो गैस काफी बनते है बदन, ठीक। अब मुझे पता नहीं कि ये गैस का है जो मेरे बदन में है या ये दवाई से होती। उम्र कितनी है आपकी? हाँ? उम्र कितनी है? 70 साल। तरीका ठीक है सर जी। हाँ देखिए, मैं कहता हूँ कि ये दिल के रोग जिसमें ये हार्ट ब्लॉकेज भी होता है, और हार्ट ब्लॉकेज कहते हैं दिल की नसों में चर्बी भर जाने को, दिल की नसों की नाली ब्लॉक हो जाने को हार्ट ब्लॉकेज कहते हैं। अच्छा, वो एक नाली नहीं होती, बहुत सारी नालियां होती हैं, कोई 100%, कोई 90%, कोई 10%, कोई 80% ऐसे ब्लॉक होती हैं। अच्छा, जिसको भी ये ब्लॉकेज होते हैं वो एक बार नहीं होते, बार बार होते हैं, ये करा लिया फिर दूसरा हो जाएगा, फिर तीसरा हो जाएगा। तो इसके लिए बड़ा अच्छा नुस्खा है, एक तो आप जो खाना खाते हैं उसमें अदरक लहसुन और ज़ीरा खूब डाला करें जो खाना बनता है आपके लिए, और अगर घर वाले ये पसंद ना करें तो आप अदरक लहसुन और ज़ीरा की चटनी बना के रख लीजिए, और उसमें अपनी मनपसंद नमक और ये सब चीज़ें भी डाल सकते हैं, टमाटर डाल सकते हैं, धनिया डाल सकते हैं, लेकिन अदरक लहसुन ज़ीरा खूब होना चाहिए, और इतना होना चाहिए कि आप 2 चम्मच इसकी चटनी रोज़ाना खा लिया करें, ये हमेशा ख्याल रखें। और एक नुस्खा बता रहा हूँ, वो आप 2 बार लें ताकि आपको दोबारा से ये सब परेशानियाँ ना हो और आपका पेशाब भी ठीक से खारिज होने लगे। एक चुटकी खाने का सोडा और एक चुटकी नमक जैतून पानी में मिला के दिन में कम से कम 2 बार ज़रूर लिया करें, इससे आप हमेशा तंदुरुस्त रह सकते। दिल्ली से है प्रभा रानी जी, स्वागत है आपका। मैडम नमस्ते। नमस्कार मैम। मैडम मेरे कभी टांगों में खिंचाव हो जाता है, कभी घुटनों में, आपके यहाँ से गोंसिया ले रही हूँ। हाँ। और जैतून का सिरका भी ले रही हूँ। कब से ले रही हैं? भी ले रही हूँ, हो गए 2-2.5 महीने। ठीक है। और वो जामुन का सिरका, जामुन की गोंद भी ले रही हूँ, मेरे को शुगर भी है। सेहत कैसी है आपकी? सेहत तो ठीक है, पर टांगों से थोड़ी चलने में परेशानी होती है। टांगों में आराम है वैसे?
थोड़ा सा आराम है, ठीक खिंचाव ज्यादा है जी। ठीक है जी, हाँ जी। हाँ देखिए, ये गौण सिया से ऐसा होता है कि कभी पिंडलियों में खिंचाव सा हो गया, कभी थाइज में हो गया, लेकिन ये इसी तरह काम करता है। अगर आप सही तौर पर इसे ले रहे हैं, दो दो चुटकी लेना होता है गौण सिया को, और वेस्टर्न टॉयलेट ज़रूर यूज़ करना है, और झाड़ू पोछा बिल्कुल नहीं करना है, और आइंदा आने वाले महीनों में आप पूरी तरह स्वस्थ हो सकते हैं।